हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी यहाँ बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज मैं मेरी फेवरेट दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने रात को ही एक कप दाल और एक मुट्ठी राजमा को सोक करने छोड़ दिया था, तो अब इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने दो इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची को ले लिया था। साथ ही साथ थोड़ा नमक और हल्दी ऐड कर इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। दाल को उबालने के लिए 3 से 4 कप पानी आप डालकर इसे अच्छे से उबाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 5 to 6 विसल दिया था ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। सो जैसे ही मेरी दाल मखनी हो गई थी, मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और साथ ही साथ अभी उसके तड़के के लिए मैंने पैन ले लिया है, तो आप इसमें तेल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ तेल लिया है फिलहाल, और उसमें अच्छे से बारीक कटा हुआ 2 प्याज ऐड कर लिया है। छोटे मेरे प्याज छोटे थे तो मैंने इसमें 2 प्याज ऐड किया है। तो देखिए, एकदम मेरे जो चॉपर है, मैनुअल चॉपर में, मैंने उसको अच्छी तरह चॉप कर ऐड कर लिया है। तो प्याज को जल्दी से भुनने के लिए मैंने यहाँ पहले थोड़ा नमक ऐड कर लिया था ताकि वो जल्दी से थोड़ा कलर पकड़ ले। और ये है 2 टमाटर जिसे मैंने जिंजर गार्लिक के साथ अच्छी तरह एक पेस्ट बना लिया था। सो जैसे ही मेरा प्याज थोड़ा भुन गया, मैंने उसमें ये पेस्ट ऐड कर लिया है। अभी इसको अच्छी तरह थोड़ा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस देखिए, टमाटर में काफ़ी पानी भी है, तो अभी इसे थोड़ा ढककर थोड़ा देर 2-3 मिनट कुक कर लेंगे। तो बस एक बार टमाटर जैसे ही थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें हम अपने रेगुलर के मसाले ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरह हमें भुन लेना है। तो यहाँ मसाले में मैंने थोड़ा हल्दी, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड कर इसे अभी मैं थोड़े देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है। तो ये जो मेरा उबला हुआ दाल है, इसे अभी देखिए मैंने कितना पानी डाला था, वो सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया है। हल्का सा पानी है, तो मैं पानी के साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ दाल डालने के पहले मैंने अपने सारे खड़े मसाले को निकाल लिया था। तो दाल मखनी में कुछ लोग राजमा के बदले चना दाल डालना पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपको जो भी पसंद है। अगर आपको राजमा का स्वाद ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें चना दाल भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए इसमें पानी मिला दीजिएगा। तो मैंने भी यहाँ अच्छे से 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। शुरू से ही इस दाल को आपको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इस दाल को हमें थोड़ा ज़्यादा कुक करना होता है। तो अच्छी तरह पानी आप सफिशिएंट ऐड कर लीजिएगा। तो बस अभी इसे ढककर 15 से 20 मिनट इसे लो फ्लेम में कुक होने दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह उबल रहा है और पानी का क्वांटिटी भी थोड़ा कम हो गया है। सो अगर आप दाल मखनी बनाने का सोच रहे हो तो इसके लिए आपको 40 to 45 मिनट्स इसके लिए टाइम रखना होगा, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है लेकिन इसको लो फ्लेम में थोड़ा ज़्यादा देर कुक करना होता है। अभी मैंने यहाँ थोड़ा कसूरी मेथी को अच्छी तरह ऐसे हाथों में ही थोड़ा क्रश कर उसमें ऐड कर लिया है। और दाल मखनी का मस्त 3 इन्ग्रीडियंट कसूरी मेथी, बटर और मलाई, ये तीनों मस्त है। और तभी आपको वो जो एक्चुअल जो उसका फ्लेवर जो आता है, जो स्वाद आता है, वो अगर आपको चाहिए तो इसे ज़रूर आप डालिएगा, अवॉइड मत कीजिए। तो बस इसी स्टेज पे मैंने यहाँ थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो जैसे मैंने बताया, बटर इसमें अच्छी तरह जाता है। 2-3 बड़े चम्मच बटर भी आप ऐड कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड किया था, और ये है कुकिंग क्रीम, और इसे भी अभी मैंने स्टेज पर ऐड कर लिया है। यहाँ आप क्रीम के बदले घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने कुकिंग क्रीम को ऐड किया है। तो बस मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा एक मिक्स दे दिया है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। सो यहाँ आप देख सकते हो दाल मखनी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। बस और 10-15 मिनट ये लो फ्लेम में पक जाएगा, तो बस मैं गैस ऑफ कर दूंगी। इसे आप चपाती, पराठा, नान या राइस के साथ पेयर अप कर सकते हैं। हेल्थी के साथ ये टेस्टी भी बनता है, सो एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।